जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। मोदी जी ने अमृत योजना हमको दी, स्वच्छ भारत मिशन की योजना दी, प्रधानमंत्री आवास को योजना दी। 4,500 से ज्यादा हितग्राही हमारे प्रधानमंत्री आवास के पीएलसी योजना में लाभ पा चुके हैं, जिनको 2.5 लाख रुपए की राशि आ चुकी है या आ रही है, एकाध किस्त किसी की बची है। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि अगर 4,500 परिवार पर मकानों को अगर मिला पैसा, तो उसमें अगर 4 का गुणा करें तो 20,000 लोगों को सीधा सीधा, 25,000 लोगों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। आज जितनी योजनाएं हमारी चल रही, चाहे संबल योजना से लेकर के सारी योजनाएं, चाहे वो लाडी लक्ष्मी की योजना हो, विवाह की योजना हो, हमें क्या करना है, हमें उनके जाकर के उनकी चिन्हित करना, उनकी सूची लेकर के उनके घरों में संपर्क करने की हमारी आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम उनके बीच में जाएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, तो हम अपनी योजनाओं का कैसे प्रचार प्रसार करेंगे। और यहां जितने लोग भी लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं कि सब पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलती है, लेकिन चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है। और माननीय बीडी शर्मा जी ने एक मॉडल पूरे देश में तैयार किया कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी पर। बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से प्रत्येक बूथ में 20-20, 22-22 लोगों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, और उसके माध्यम से आप ये देख प्रारंभ हो चुका है। मैं पहले भी कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। और आपने देखा कि कोरोना का इतना भीषण प्रकोप आया, उस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल करके आए, चाहे वो पहला दौर हो कोरोना का, जिस समय इतना डर और भय था लोगों का कि कोई किसी को स्पर्श नहीं कर रहा था, क्या क्या पानी की समस्या है। और सभी पार्षदों ने जो सुझाव दिए, निवृत्तमान पार्षदों ने, उन सुझावों को सरकारी अधिकारियों ने लागू किया। लगभग 100 से ज्यादा की बोरिंग हमने करवाई, विधायक जी ने भी कुछ टैंकर दिए और बाकी टैंकरों का भी अधिकृत किया। लगभग 50 टैंकर पानी प्रतिदिन अलग अलग वार्ड में जा रहा है, जहां से आवाज आती है, जहां से फोन आता है, जहां से मांग आती है, वहां पर टैंकर जा रहा है। इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी हमारी भाजपा की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कटनी के लोगों को पानी दिया, और कटनी की पानी की स्थिति आसपास के जिलों से बहुत बेहतर है। और कांग्रेस के पास इतनी भीषण गर्मी और पानी की कमी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि ये लगातार काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, उन सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का विकास का काम किया है, और एक एक घर में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया है, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। इन सब बात को लेकर के हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। बूथ विस्तारक योजना में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से काम किया है, और हम सारे बूथ में चुनाव जीतेंगे। इस संकल्प के साथ हमने आज यहां पर जो बैठक ली है, उसमें कार्यकर्ताओं की बात, किस तरह का गोला बारूद तैयार है आपके पास? हर तरह का गोला बारूद तैयार है चुनाव के लिए, जो होना चाहिए, चाहे वो हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारा सेवा के कार्य हैं, चाहे जन कल्याण के कार्य हैं। क्योंकि 8 साल में मोदी जी ने और पिछले 16 सालों में शिवराज सरकार ने जो काम किए हैं, जन जन तक पहुंचे हुए हैं, वो हमारा सबसे बड़ा गोला बारूद है। हमारी जनता हमारी ताकत है, जिनको इस बात का लाभ मिला है, और एक एक व्यक्ति को बगैर भेदभाव के हमने लाभ पहुंचाया है, और हमारा कार्यकर्ता बूथ तक पहुंचा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरा नगर निगम और जितने हमारी नगर पंचायत हैं और जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड लहराएगा। एक वार्ड से 2 प्रत्याशी होंगे तो कैसे बैठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें बहुत लोग हैं, लेकिन जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा, उस आधार पर आपसी सहमति से उस प्रत्याशी से बात करके पार्टी के हित में उससे काम करवाएंगे, और सब पर चर्चा होगी, खुलकर चर्चा होगी। लेकिन जब एक बार पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, तो सारे लोग मिल करके उसको जिताने के लिए काम करेंगे। कार्यकर्ताओं से कहा है चुनाव न लड़ने के लिए? नहीं, कोई ऐसा उनका ऐसा हेतु नहीं है किसी प्रकार से ऐसा कहने का। उनका यह कहना है कि अनावश्यक रूप से चुनाव नहीं लड़े, जीत का अगर आधार है, जीत का हमारा आधार है, तो जरूर चुनाव लड़े।